हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक सेलर यूट्यूब चैनल को। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आपका कोई लोन चल रहा है, कोई क्रेडिट कार्ड का ईएमआई चल रहा है और उसका टाइम टू टाइम आप पेमेंट करते हो तो उसके क्या बेनिफिट होते हैं, या फिर क्यों आपको आपके ईएमआई का पेमेंट टाइम टू टाइम करना चाहिए, जिसके बेनिफिट आपको मिलते हैं वो बेनिफिट क्या होते हैं। एक्चुअली में कुछ लोगों को पता नहीं चलता और यहाँ पे वो लोग यहाँ पे ईएमआई का पेमेंट बाउंस करते हैं और बाउंस करने का नुकसान बहुत बड़ा है। बट आज उस टॉपिक को हम साइड में रखेंगे, आज के इस वीडियो में ओनली यहाँ पे बेनिफिट की बात करेंगे। सबसे पहला बेनिफिट तो यहाँ पे आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होता है। क्रेडिट स्कोर मतलब आपका सिबिल स्कोर इंप्रूव होता है। इंप्रूव होने के फायदे यहाँ पे बहुत सारे। यहाँ पे आप अगर आप फ्यूचर में कोई लोन लेने जाते हो या फिर कुछ यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड लेना जाते हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाता है और उसमें देखा जाता है कि आपने यहाँ पे कितने पेमेंट बाउंस किए। अगर आपके पेमेंट बाउंस दिखते तो यहाँ पे सामने वाली बैंक या फिर सामने वाली क्रेडिट कार्ड कंपनी आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करती, ना ही आपको लोन देती है ना ही आपको क्रेडिट कार्ड देती। लोन अगर आपको गलती से मिल भी जाता है तो आपको हायर इंटरेस्ट पे मिलता है, मतलब नॉर्मल लोगों को जितना इंटरेस्ट मिल रहा है उससे ज्यादा इंटरेस्ट आपको चुकाना पड़ता है। तो ये सबसे पहला बेनिफिट होता है यहाँ पे, मतलब टाइम टू टाइम पेमेंट करने का। अगर हम सेकंड बेनिफिट की बात करेंगे तो सेकंड बेनिफिट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप किसी भी यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर में जॉब करने जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारी जगह पे फाइनेंशियल सेक्टर में अगर आप जॉब करने जाते हो तो यहाँ पे एक ही चीज देखी जाती है सबसे पहले, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपके देखे जाएंगे बट उससे पहले आपका सिविल स्कोर देखा जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तभी यहाँ पे आपके ऊपर वहाँ पे उस सेक्टर में भी भरोसा रखा जाता है और उसके बाद आपको जॉब मिलती है। तो यहाँ पे अगर आपको फाइनेंशियल सेक्टर में यहाँ पे जॉब करना है या फिर जॉब का कुछ प्लानिंग है तो आपको टाइम टू टाइम ईएमआई तो पे करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे हम तीसरे यहाँ पे बेनिफिट की बात करेंगे। हमने अगर मान लेते कि बाइक लोन लिया या फिर कार लोन लिया तो यहाँ पे इसके बदले में यहाँ पे हमारे कार की या फिर बाइक की सिक्योरिटी तो उनके पास होती है, हम टाइम टू टाइम यहाँ पे पेमेंट नहीं करेंगे तो यहाँ पे लोन वाले लोन कंपनी या फिर फाइनेंस कंपनी आपकी कार या फिर बाइक उठा के लेके जा सकते। तो यहाँ पे ये उठा के ना लेके जाए इसलिए तो आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा। अगर हम चौथे बाद मतलब बेनिफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आपका कोई लोन चल रहा है किसी बैंक का तो वो बैंक यहाँ पे आप टाइम टू टाइम पेमेंट करते हो तो उसके ऊपर आपको टॉप अप लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। टॉप अप लोन मतलब आपका पहली जो हिस्ट्री लोन की चल रही है उस हिस्ट्री को देखते हुए आपको अगर कुछ इमरजेंसी छोटा मोटा लोन चाहिए होगा तो उसका यहाँ पे टॉप अप लोन की फैसिलिटी बैंक की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाती है और उस फैसिलिटी की मदद से आपको यहाँ पे और एक्स्ट्रा लोन लेने का यहाँ पे बेनिफिट दिया जाता है। मतलब आपको छोटा मोटा अमाउंट यहाँ पे लोन के बीच में जरूरी होता है तो आप यहाँ पे टॉप अप लोन की मदद से ले सकते हो। अगर हम पांचवे बेनिफिट की बात करेंगे तो पांचवा बेनिफिट यहाँ पे अगर आप फ्यूचर में कभी लोन लेने जाते हो फिर फ्यूचर में कभी क्रेडिट कार्ड लेने जाते हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपका सिविल स्कोर देखा जाएगा साथ ही साथ आपका पास्ट का जो पेमेंट हिस्ट्री है वो देखा जाएगा। अगर आप टाइम टू टाइम पेमेंट किए होगे फास्ट में, इससे पहले अगर आपने टाइम टू टाइम सारे बिल पेमेंट या फिर आपके ईएमआई के पेमेंट किए होंगे तो उसका बेनिफिट उस समय आपको होगा। यहाँ पे नया लोन या फिर नया क्रेडिट कार्ड लेते समय उस समय आपको इजीली नया लोन या फिर नया क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे लास्ट पॉइंट की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे आपको नए नए यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्टर के ऑफर मिलते रहते हैं, जैसे कि आपका ऑलरेडी लोन चल रहा है और आप टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहे हो और ये देखते हुए बैंक आपको नया लोन प्रोवाइड करती है या फिर नया लोन ऑफर करती है या फिर नया क्रेडिट कार्ड ऑफर करती है, या फिर आप किसी बैंक में आपका अकाउंट नहीं और आप दूसरे बैंक में भी क्रेडिट कार्ड लेने जाओगे तो यहाँ पे वो बैंक आपका पिछला लोन का हिस्ट्री या फिर बाकी दूसरे बैंक का लोन का हिस्ट्री या फिर सिविल का रिकॉर्ड देखती है तो उस समय आपको इजीली क्रेडिट कार्ड या फिर लोन ऑफर करती है। तो ये सारे बेनिफिट है यहाँ पे टाइम टू टाइम ईएमआई के पेमेंट करने के। मेरे नॉलेज के हिसाब से, मेरे पास जितना नॉलेज है मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की। मैं ऐसे इंटरेस्टेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को क्या करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और आगे आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।